ये है भाई नई गरीब रथ दिल्ली सराय रोहिला से बांद्रा के लिए। तो अब ये दिल्ली की तरफ जा रही है। अभी अपन जा रहे हैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ, जो 1 के जस्ट बगल में ही है। तो दोस्तों ये है आज की हमारी गाड़ी जयपुर उदयपुर सिटी स्पेशल फेयर एक्सप्रेस, जिसका कोड नंबर है 09721। ये गाड़ी चलती है हफ्ते के 7 दिन। वैसे दोस्तों इस ट्रेन का जो टिकट है वो दूसरी ट्रेनों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड सा ही है, बिल्कुल एंड की तरफ। ये देखो सामने बोर्ड दिख रहा होगा जहाँ पे स्टेशन एंड हो जाता है, और यहाँ से अपने जो गाड़ी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और गरीब रथ अभी वहाँ लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो लाइट आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है ये वाली। तो एक गरीब रथ गाड़ी खड़ी है, तो वो जो गाड़ी अभी जाती हुई दिखाई दे रही है ये जा रही है जोधपुर की तरफ। ये है जोधपुर जयपुर इंटरसिटी, वही गाड़ी है ना। बिल्कुल वही गाड़ी है, जोधपुर ही जा रही है गाड़ी। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog। और अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर से उदयपुर की तरफ, और सेम गाड़ी है जो जिससे मैं लास्ट ईयर गया था। पहले हम गए थे मतलब जयपुर से उदयपुर के लिए, लेकिन माउली स्टेशन पर उतर गए थे आपको याद होगा, और माउली में हमने नाथद्वारा के दर्शन किए थे। और आज हम जा रहे हैं उदयपुर डायरेक्टली इसी गाड़ी से, तो आज अपन माउली नहीं उतरेंगे। वैसे उतरने का प्लान था मेरा, लेकिन ये गाड़ी दोपहर के 12 बजे के आसपास पहुँचेगी, तब तक वो गोराम घाट वाली गाड़ी जो है निकल जाएगी। इस चक्कर में मैं जा रहा हूँ उदयपुर, और उदयपुर का जो मौसम है अभी सावन में देखने लायक होगा, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। और काफ़ी सारे जो वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे चलते हैं इस टाइम पे, तो वो मुझे कवर करना है। तो भाई गाड़ी के बारे में बता दूँ मैं आपको, जयपुर से उदयपुर तक की जो डिस्टेंस है वो वैसे तो 430 किलोमीटर, और इसमें इसको टाइम लगेगा 7 घंटे 5 मिनट का। 1:20 पर ये अपने को उदयपुर पहुँचा देगी। तो आई होप अपनी जो जर्नी है काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि मौसम देखो कितना गजब का हो रहा है अभी। मेरी जो आज की टिकट है वो स्लीपर कोच में है, S163 साइड लोअर, और विद इन 10 आवर्स के अंदर ही मैंने ये टिकट जो है बुक करवाई है। मतलब रात को मैं 10-11 बजे के आसपास मैंने इस टिकट को बुक किया था, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, और विद इन 2 मिनट ये यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि 6:13 हो चुके हैं, 6:15 पे इसे यहाँ से निकलना है। तो आपको दिख रहा होगा इसी चेयर कार के इसमें लगे हुए हैं 3 कोचेस, बाकी स्लीपर्स और जनरल के लगे हुए हैं। आ रहे जा रही हूँ। भाई ऑन टाइम निकल चुके हैं अपन जयपुर जंक्शन से। जन्नत नजर आ रही है यार, ये देखो जगह कितनी प्यारी घास हो रही है। गाड़ी अपनी वैसे काफी ज्यादा स्लो हो गई अभी, 6:55 हुआ अभी, 40 मिनट हुआ अपनी गाड़ी को चले हुए। इसके क्रॉस करते अपनी गाड़ी पे निकल चली, यहाँ चल रहे भाई सुबह सुबह भक्ति के गीत।
गाड़ी तो भाई अभी ऑन टाइम ही चल रही है। ये देखो आप अजमेर अपन टाइम पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा डिलेड यहाँ से गाड़ी निकलेगी और होपफुली अपन उदयपुर भी टाइमली पहुँचे 120-130 तक आराम से। लो भाई चल भी पड़ी अपनी गाड़ी। गाइस पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं कि टीटी जो है थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पे, वो भी दो हॉल्ट के बाद ही। मतलब अभी हम अजमेर से निकले ही हैं और अजमेर से पहले भी मतलब दो बार आ चुके हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, फुलेरा जब क्रॉस किया उसके बाद में, और अभी अजमेर सही लगा मुझे इस बार। तो गाइस अभी अपन आ गए हैं विजय नगर और ऑन टाइम चल रही गाड़ी अभी भी 9:12। मैंने लोहे की चेयर्स तो हर जगह देखी लेकिन यहाँ ईंटों से चेयर बना रहे भाई, गजब है। भाई अपन पहुंच गए हैं भिलवाड़ा, अब यहाँ से 3 घंटे और 10-20 मिनट लगेंगे यहाँ से देख लो, क्योंकि टाइम देखो क्या हो रहा है 10:04। लगता है इसका रिनोवेशन का काम थोड़ा ढीला चल रहा है, क्योंकि यार ये जो दिख रहा है आपको ऊपर ये शेड कैसे काले पड़े हैं और इसका तो नाम ही मिटा हुआ है, और आगे मुझे कहीं कंस्ट्रक्शन दिख रहा है छोटा मोटा, ये दिख रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस 20979 जयपुर की तरफ जा रही है। जा रही है भाई उदयपुर से और जा रही है जयपुर की तरफ। ट्रैक्स मुझे अच्छे लगते हैं यार, जिसमें रेलवे की लाइन के साथ साथ हाईवेज होते हैं वो रोड कितने अच्छे लगते हैं। तो अभी भाई साहब गाड़ी हमारी खड़ी कर दी है डेट में, सामने आपको दिख रहा होगा डेट। फिलहाल चंदेरी अपन टाइम से पहले पहुंचेंगे जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, क्योंकि अभी टाइम देखो कितना हो रहा है 10:42, अभी डेट पर हैं अपन। इसके बाद की जो स्टॉपेज हैं वो हैं कपासना, मावली, राणा प्रताप नगर और उदयपुर डायरेक्ट। अपना चंडी दिखा के अपना काम करके चल दिए। तो भाई चंदेरिया ये तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंच गए, अभी ऑलरेडी 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है खड़े हुए, 11:11 पे यहाँ से चलेगी। माय गॉड इस भाई की सिगरेट ख़त्म नहीं हो रही, देखिए आपको ऑन टाइम निकली है भाई गाड़ी, 11:11 पे निकलना था। तो
लास्ट टाइम जितने भी अभी सफ़र किया है सारा मिडल बर्थ में किया था, दिन वाली बर्थ में। और आज जो मैं सुबह सुबह मतलब कर रहा था इस गाड़ी के लिए, जब मैं कर रहा था टिकट बुक, तो मैंने एक ही ऑप्शन चूज़ किया कि या तो ये हो जाए या मत हो। तो मेरा हो गया एक बार में, क्योंकि 90 सीट्स बता रहा था रात को। और जब मैंने दिन में देखा ना, तब दिन में तो एक भी सीट खाली नहीं थी, मतलब वेटिंग चल रही थी। और रात को जब मैंने देखा इस ट्रेन के लिए, तो इसके अंदर काफ़ी सारी सीट्स थी, मतलब 90 सीट्स से स्टार्ट हो गया था। तो जब मैं बुक कर रहा था उस टाइम 86 सीट्स अवेलेबल थी, और अभी जब मैं सफ़र कर रहा हूँ तब 59 सीट्स अवेलेबल है। मतलब देख लो खाली है कितनी, खाली जाती है गाड़ी। और अभी देखो वीकेंड है, सैटरडे है, वीकेंड पे भी खाली जा रही है। बाकी अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है ये गाड़ी 10 मिनट पहले चल रही थी, और अभी यहाँ पे 10 मिनट पीछे है। मज़े की बात ये थी कि रास्ते में हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली, बस यहाँ जाकर थोड़े बहुत छींटे देखने को मिले। हाँ, पर एक बात तो कहनी बनती है कि यार रास्ते में मुझे हर जगह पर मौसम बहुत ही औसम मिला था। जब सफर 30 मिनट का रह गया तब जाके बारिश स्टार्ट हुई यहाँ पे। NWR इस बार भी यार नंबर वन रहा है टाइमिंग के मामले में। और देखो यार क्या ज़बरदस्त स्पीड है इसकी, और अभी बारिश आ रही है बाहर, फिर भी तूफानी स्पीड के साथ भाई साहब टाइम से पहले अपने को राणा प्रताप नगर पहुंचा रहे हैं, और टाइम से पहले अपने को उदयपुर सिटी भी पहुंचा देंगे। वैसे अब ये देखो ये अपन पहुँच गए राणा प्रताप नगर स्टेशन वक्त से पहले, वो भी इमरजेंसी विंडो के तो मज़े ही अलग है यार। और अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ रुकेगी अब 12:45 हो रहे हैं, 50 पे निकलेगी यहाँ से ये, मतलब 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे। और बारिश चालू है। पंकज को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई देख ले कहाँ उतरना है, तो बोला कि मेन पे उतरना, फिर वो वहीं से मुझे लेने आएगा। लास्ट टाइम मैं यहीं पे उतरा था, टाइम जो है वो पंकज मेरे को उधर ही लेने आ गया था गेट के पास में, मेरा कोच भी उधर ही लगा था। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी और यहाँ बारिश आ रही है। फ़िलहाल अभी तो धीरे हैं, रास्ते में थोड़ी ज़्यादा तेज़ भी थी जहाँ पे टनल आया था। लोगों इस वक्त से अपन बहुत पहले, मतलब 23 मिनट पहले अपन पहुँच गए हैं उदयपुर सिटी, यानी कि 23 मिनट पहले अपन उदयपुर सिटी पहुँच चुके हैं भाई। 58 हो गए इसमें। ये कौन सी है? उदयपुर सिटी है सरवा। तो ये रहता है देखो पूरा कोच यहाँ तक तो खाली हो जाता है। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई ऐसा लग रहा था कि इधर भी गाड़ी खड़ी है उधर भी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि ये जो लग रहे हैं ना ऐसा लग रहा है कंटेनर है खिड़की से देखने पे। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि गाड़ी अभी आगे जाएगी क्या आउटर में। और मैंने पंकज को बोला था भाई कि तू आ जाना 1:30 बजे, 1:20 का क्योंकि टाइम है, 10 मिनट डिले हो सकती है, तो ये सोच के मैंने उसको बोला। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचा वो। तो यार मौसम देखो क्या औसम हो रहा है, देखो सामने काली घटा है, अभी उधर से बारिश ही आ रही थी और जहाँ तक है थोड़ी देर में यहाँ पे भी बारिश आएगी। ओ भाई साहब वाटर फाइटर, ओ भाई साहब नई गाड़ी कब? अरे यार पार्टी फिर तो आज यार। यार उदयपुर आते अभी बारिश भी तेज हो गई, देखो अभी घूमने के लिए निकल रहे हैं हम और 5 मिनट भी नहीं रुके रूम पे। भाई ने अपना रेनकोट उतार दिया मेरे लिए। बता रहे हैं कि उदयपुर में अभी 10-15 दिनों से बारिश ही नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैं आया यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैं जोधपुर